उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुस्लिमों के सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मस्जिदों के बारे में चर्चा कर कल जमात फैसला लेगी, फैसले के बाद कोई कदम पीछे नहीं हटेगा। हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किलें हैं। हाँ, मुश्किलें झेलने के लिए ताकत हौसला चाहिए। हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। महमूद मदनी ने भावुक स्वरों में ये कहा है कि हमें अपने देश में ही अजनबी बना दिया गया है, हम हर जुल्म सह लेंगे लेकिन वतन पर आँच नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश के देवबंद में देश में चल रहे विवादों, खासकर ज्ञानवाबी मस्जिद विवाद और मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर बैठक में कई अहम बातें की गई। इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम विवाद पर अपना पक्ष तय किए जाने की बात कही जा रही थी। मौलाना मदनी ने अपने तकरीर में देश की बात की, सामाजिक एकता पर जोर दिया। इसके साथ ही मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर जारी महाभारत पर भी दुख जताया। मौलाना ने यह भी कहा है कि जमीयत उलेमा का फैसला है कि हम अमन और शांति के संदेशवाहक हैं, तो ठीक है। अगर जमीयत उलेमा का यह फैसला है तो हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर जमीयत उलेमा का यह फैसला है तो हम दुख को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। जमीयत उलेमाए हिंद का यह फैसला हमारी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ताकत की वजह से है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।